नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ह्यूमन सेटलमेंट होती क्या है और ह्यूमन सेटलमेंट का पार्ट देखे थे, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट हम लोग बात किए थे कि रूरल सेटलमेंट होती है और अर्बन सेटलमेंट होती है। तो परमानेंट सेटलमेंट का रूरल जो सेटलमेंट का पार्ट है वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप यूपीएससी के सिलेबस यदि फॉलो कर रहे हो तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी में आपको एक टॉपिक मिलेंगे, टाइप एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, रूरल एरिया का जो डेफिनेशन होता है वो वेरी करता है देश टू देश, कंट्री टू कंट्री। यदि मान लो रूरल एरिया का जैसे डेफिनेशन इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन के बेसिस पर किया जाता है कि कम पॉपुलेशन है तो रूरल एरिया होगा। लेकिन मान लो आप यूएसए के लोगे, यूएसए में जो विलेज होंगे, विलेज के यदि पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन के बेसिस पर करोगे तो इंडिया में जो विलेज के पॉपुलेशन है वो यूएसए में टाउन के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा होते हैं। जैसे इंडिया में विलेज 2000 पर्सन को विलेज बोला जाएगा, लेकिन यूएसए में 2000 पर्सन को टाउन बोला जाएगा क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो क्या हम पॉपुलेशन एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है मेजर करने का? जैसे चाइना में होंगे, चाइना में विलेज की जो पॉपुलेशन होगी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी एज कम्पेयर टू जर्मनी के टाउन से भी ज़्यादा, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, अच्छा क्राइटेरिया नहीं है रूरल एरिया को डिफाइन करने के लिए। तो क्या है, पॉपुलेशन से यदि क्राइटेरिया लेंगे, रूरल एरिया का डेफिनेशन लेंगे, तो क्या हम कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। लेकिन यदि उसके व्यवसाय यानी बिजनेस या उसके जो काम करने के तरीकों को यदि पैरामीटर मानते हैं रूरल एरिया को डिफाइन करने के लिए, तो आपको देखो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे रूरल एरिया में। रूरल एरिया में जो होगी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होगी इन्वॉल्व होंगी प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक फार्मिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री और फिशरी। ये देखो यूएसए में भी ट्रू होगा, यानी विलेज में प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व होंगे, और इंडिया में भी ट्रू होगा, चाइना में ट्रू होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है रूरल एरिया का वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है और वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या होंगे, कमी होती है। आप इंडिया में बोल सकते हो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीवेज हो गया, रोड हो गया, हाईवे कम्युनिकेशन की कमी होती है। लेकिन यूएसए में ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ रूरल एरिया विलेज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। तो ये क्या है, जनरली क्राइटेरिया आप इंडिया में देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, एग्रीकल्चर में जो रूरल की पॉपुलेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है और वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, लो पर कैपिटल इनकम होता है एज कम्पेयर टू टाउन, ये तो सब जगह से ही होगा। एक्सटेंसिव लैंड यूज होती है, यानी लैंड यूज का बहुत ज़्यादा इंटेंसिव लेवल नहीं होता यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है। जैसे जो पर लैंड एरिया है, मैंने पर स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है, उसका आप देखोगे प्रोडक्टिविटी टाउन के कंपेयर में कम होंगी, ठीक है। तो एक्सटेंसिव लैंड यूज होती है और लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू टाउन। तो रूरल एरिया में ये सारे करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं रूरल सेटलमेंट, ठीक है। देखो ये दो बार लिख गया। तो रूरल एरिया में अब और देख लेते हैं, रूरल एरिया में जो पीपल होते हैं वो सिटी जैसा घर नहीं बनाते हैं, वो लोकल क्लाइमेट के हिसाब से बनाते हैं। आप कहीं भी देखोगे जहाँ पे हैवी रेनफॉल एरिया होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट आप इंडिया के एग्जांपल लोगे, तो हाउस जो होंगे स्लेंटिंग रूफ होंगे, यानी रूफ जो होंगे ऐसे होंगे, ठीक है। वाटर लॉगिंग एरिया में हाउस जो होंगे कंस्ट्रक्ट होंगे वो ऊँचाई पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जिससे कि जो वाटर लॉगिंग एरिया है वहाँ से पानी घर में नहीं पहुँचे। जो हॉट क्लाइमेट है वहाँ पर जो घर बनाते हैं वो थिक मट वाल्ड होते हैं, जो वाल होता है वो बहुत ही मोटे होते हैं हॉट क्लाइमेट रीजन में। तो रूरल एरिया में देखते हो जो घर का पैटर्न है, जो घर बनाने के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं एज कम्पेयर टू टाउन, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, अभी हम लोग रूरल सेटलमेंट क्या होती है उसके करेक्टरिस्टिक आपको दिखे थे, अब देखते हैं टाइप। जो पहला पार्ट है टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट उसको देखते हैं। तो तीन टाइप का रूरल सेटलमेंट होते हैं, देखो हाई डेंस या कॉम्पैक्ट, देखो अलग अलग नाम से जाना जाता है, हाई डेंस रूरल सेटलमेंट या कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट या न्यूक्लिएट रूरल सेटलमेंट। इसमें आप देखोगे घर बनाने के, जैसे घर बनाना, घर की जो दूरी होगी डिस्टेंस होगी वो क्या होंगे, पास पास होंगे। और देखो नॉर्मल डेंस सेटलमेंट यानी घर का डिस्टेंस होगी वो स्कैटर्ड या लो डेंस और हाई डेंस के बीच में होंगे, यानी घर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा दूर होगा एज कम्पेयर टू हाई डेंस, लेकिन पास होगा लो डेंस कंपेयर में। तो देखो हाई डेंस या कॉम्पैक्ट या न्यूक्लियर सेटलमेंट क्या होते हैं, वेरी कॉम्पैक्टेड होते हैं, डेंस होते हैं, और ये जो सेटलमेंट पाए जाते हैं रूरल एरिया में वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप में पाए जाते हैं या टी शेप में पाए जाते हैं, जो कि रोड के अलॉन्ग होते हैं। जैसे मान लो रूरल एरिया के चौराहे देख रहे होंगे, चौराहे पर क्या होंगे, ज़्यादा डेंस पाए जाते हैं। तो यदि चौराहे हो गया या तिराहा हो गया
जैसे तिराहा हो गया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घर पाए जाएंगे, यहाँ पे घर पाए जाएंगे, तो क्या होंगे टी शेप का घर पाए जाएंगे। यदि चौराहा होगा तो आप देखोगे रेक्टेंगुलर पाए जाएंगे, ठीक है रेक्टेंगुलर पाए जाएंगे। या यहाँ पर तालाब होगा तो चारों ओर पाए जाएंगे, खेत होंगे तो चारों ओर पाए जाएंगे, तो रेक्टेंगुलर या टी शेप पाए जाते हैं हाई डेंस और कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट में जो पैटर्न होता है। ठीक है सर्कुलर शेप भी पाए जाते हैं टैंक जैसे, तालाब हो गया, तालाब यदि गोल है तो चारों तरफ घर पाए जाएंगे या सर्कुलर शेप में पाए जाते हैं। ठीक है तो अब देखते हैं कि जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब देखिए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहाँ पाए जाएंगे, जैसे पीपल फ्रेंडली क्लाइमेट होगा, यानी कि क्लाइमेट जो होगा माइल्ड क्लाइमेट होगा, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होगा बहुत ज़्यादा, मान लो डिजर्ट में तो रूरल सेटलमेंट इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं मिलेंगे ना, जहाँ पर क्लाइमेट अच्छे होंगे जैसे प्लेन एरिया होंगे इंडिया के, आप जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में हाई जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पाए जाते हैं रूरल एरिया में, एबंडेंस वाटर आप अवेलेबिलिटी होती है, फर्टाइल लैंड होती है, गुड कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है। आप गंगा गंगा का जो प्लेन एरिया है उसका ले सकते हो, वहाँ पे फर्टाइल लैंड भी है, गुड कनेक्टिविटी भी है, एबंडेंस वाटर अवेलेबिलिटी है पूरे ऑल द ईयर, और पीपल फ्रेंडली क्लाइमेट भी है, तो वहाँ पर जो रूरल एरिया है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलेंगे। अब दूसरा जो सेटलमेंट है नॉर्मल या सेमी कॉम्पैक्ट या सेमी न्यूक्लियर सेटलमेंट, इसमें आप देखोगे जो जो घर के बीच में दूरी होती है वो क्या है न्यूक्लिएटेड से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होती है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते कुछ एरिया जो रिवर से भी दूर होते हैं, यानी वाटर अवेलेबिलिटी नेचुरली वहाँ पे नहीं है पूरे साल, लेकिन पाइप्ड वाटर पहुँचा दी गई है, तो वहाँ पर क्या होंगे डेंस पॉपुलेशन मिलेंगे, जैसे राजस्थान का कुछ एरिया जहाँ पर जो नहर द्वारा पानी पहुँचा दिए गए हैं वहाँ पर आपको देखेंगे नॉर्मल डेंस या सेमी कम्पैक्ट सेटलमेंट टाइप का मिलेंगे। ठीक है अब देखो लो डेंस या डिस्पर्ट या स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट, देखो हिली एरिया जहाँ पर हार्श क्लाइमेट है, या डिजर्ट एरिया जैसे सहारा डिजर्ट हो गया, या कनाडा या यूएसए रसिया का जहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा डिजर्ट हो गया, या ऑस्ट्रेलिया के जो रूरल सेटलमेंट होंगे वो सके लो डेंस या डिस्पर्ट सेटलमेंट होंगे, वहाँ पे जो घरों के बीच के डिस्टेंस होगा बहुत ही दूर होगा और जो लैंड यूज होंगे बहुत ही एक्सटेंसिव होगी, यानी कि बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी होगी लैंड का। तो आपको तीन टाइप का रूरल सेटलमेंट देखने को मिलता है। अब देखो पैटर्न कैसे मिलेंगे, तो अभी देखो टाइप आप रूरल सेटलमेंट देखे थे, अब पैटर्न दूसरा जो पार्ट है पैटर्न आप रूरल सेटलमेंट, तो पैटर्न एक जैसे मान लो घर जो बनाते हैं तो आप कहीं या हेलीकॉप्टर से या ऊंचाई से देखोगे तो क्या पैटर्न देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। जनरली फाइव टाइप के पैटर्न मिलते हैं रूरल सेटलमेंट में। लीनियर, देखो लीनियर कहाँ मिलेंगे, रोड या बैंक आप रिवर के अराउंड, जैसे मान लो एक रिवर जा रही है तो यहाँ पे जो आपको सेटलमेंट देखने को मिलेंगे वो लीनियर फॉर्म में मिलेंगे, या ये मान लो रोड है या रेलवे है तो लीनियर फॉर्म में मिलेंगे। आप हाइट से देखोगे तो एक लीनियरली देखने को मिलेंगे। देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होते हैं कि दो पैरेलल रोड के बीच में जो सेटलमेंट होते हैं वो रेक्टेंगल, जैसे मान लो यहाँ एक रोड है और यहाँ एक रोड है, ठीक है तो दो रोड हो, देखो दो रोड मान लो एक किलोमीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ पे आपको या ऐसे यहाँ पे भी एक रोड क्रॉस करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ह्यूमन का सेटलमेंट होंगे एक रेक्टेंगुलर होंगे, यानी दो रोडों के बीच के होंगे जो सेटलमेंट होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में मिलेंगे। फिर सर्कुलर शेप में भी रूरल सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे टेम्पल हो गया, टेम्पल के चारों ओर मान लो बहुत बड़ा टेम्पल है, टेम्पल के चारों ओर ह्यूमन अपना घर बना लिए तो सर्कुलर शेप में मिलेगा, या वाटर टैंक है बहुत बड़ा वाटर बॉडी है तो उसके चारों ओर जो ह्यूमन का सेटलमेंट होंगे वो सर्कुलर शेप में मिलेगा। फिर आइसोलेटेड जैसे हिल टॉप में, मान लो नॉर्थ ईस्ट या आप लद्दाख रीजन देखोगे तो आइसोलेटेड होंगे, हिल टॉप पर सिर्फ घर बना लिए जाएंगे उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। टी शेप्ड मिलेंगे जब दो रोड या रिवर ज्वाइंट करते हों, जैसे मान लो ये रिवर है, एक रिवर ए ज्वाइन कर रहा है तो टी शेप यहाँ पे मिलेंगे आपको सेटलमेंट, इधर मिलेंगे या टी शेप मिलेंगे, या रोड ये होंगे तो टी शेप सेटलमेंट मिलेंगे। तो फाइव टाइप का जो पैटर्न मिलता है रूरल सेटलमेंट ये है लीनियर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, आइसोलेटेड और टी शेप्ड। अब देखो रूरल सेटलमेंट क्या क्या फैक्टर जो है डिसाइड करते हैं कि रूरल का सेटलमेंट या पैटर्न कैसा होगा, तो फिजिकल पैटर्न फैक्टर पाला है जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी, टेरेन, सॉइल फर्टिलिटी, देखिए कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोड, अभी देखें रोड टी शेप में, रेलवे कनेक्टिविटी जैसे टी शेप में होता है दो रोड के ज्वाइंट होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप होता है दो रोड के बीच के जो सेटलमेंट होता है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे होंगे, रोड, रेलवे, रिवर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उसके बेसिस पे फैक्टर टाइप एंड पैटर्न डिसाइड होगा। फिर सोशल फैक्टर जैसे कास्ट बेस्ड सेटलमेंट, जैसे आप देखो कहीं भी विलेज में पर्टिकुलर कास्ट
का अलग एरिया होता है पर्टिकुलर और दूसरे कास्ट का अलग एरिया होता है। तो कास्ट बेस्ड सेटलमेंट भी मिलते हैं, सोशल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। रिलीजियस बेस्ड सेटलमेंट किसी भी रूरल एरिया में आप देखोगे कि अलग अलग धर्म के समुदाय अलग अलग एरिया में रहते हैं। फिर पोलिटिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेट ये इफेक्ट करते हैं सेटलमेंट का। मान लो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे कि हाई लैंड एरिया था, वहाँ पे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वाले या पर्टिकुलर जो इन्फ्लुएंस ग्रुप था वहाँ रहते थे, लो लेवल एरिया में दूसरे ग्रुप रहते थे, तो पॉलिटिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। सिक्योरिटी, यदि हाई सिक्योरिटी है जिस रीजन में वहाँ पे हाई डेंस पॉपुलेशन होंगे और लो सिक्योरिटी है जहाँ पे चोरी ज़्यादा होती है वहाँ पे पॉपुलेशन कम देखने को मिलेंगे। तो डेंस सेटलमेंट फाउंड होते हैं हाई सिक्योरिटी एरिया में, ठीक है, और जहाँ पर फ्लड, हाँ ठीक है, देखो राजस्थान में देखो फोर्टिफिकेशन वाज डन टू सिक्योर एरिया। राजस्थान में देखो बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन होता था सिक्योरिटी सिक्योर करने के लिए, तो हाई सिक्योरिटी एरिया में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट होंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, टाइप एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको कुछ यहाँ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पॉइंट और आप ऐड करना चाहते हो या कोई छूट गया हो तो कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइए। और वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।